नहीं, हमारी कब से विशेष थी कि ये शादी पारुल की, क्योंकि हम लोग का एक जो दोस्ती है वो है हमारी विदाई के टाइम से, और हमने हमेशा सोचा था कि जब भी पारुल की शादी होगी तो हम लोग ज़रूर उसमें शिरकत करेंगे, ज़रूर उसको अटेंड करेंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया और बहुत अच्छा लग रहा है पारुल और चिराग की जोड़ी देख के। तो हम इनके लिए बस बेस्ट विशेष देना चाहेंगे कि लॉन्ग लाइफ उनकी जोड़ी ऐसी बनी रहे। नहीं, ये इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए लोगों के लिए कि बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट भगवान के सामने शादी करना और बहुत शो ऑफ नहीं करके, और जितने कम टाइम में कितने अच्छे से शादी हो सकती है वो सबको देखना चाहिए। तो आई थिंक एक एग्जांपल सेट किया है पारुल और चिराग ने। तो बहुत बहुत सारी बधाइयाँ दोनों को, और ये बहुत ही अच्छा कपल है और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुशियों से इनकी जोड़ी बनी रहे। इस दिन का सबको इंतज़ार था, उनकी फैमिली को इंतज़ार था, उनकी फैमिली यहाँ पे आप देख सकते हैं सब काफ़ी इमोशनल है, और उनकी मॉम ऑब्वियसली किसी भी माँ के लिए बेटी की शादी हो जाना, उसे विदा करना, ये फीलिंग आई थिंक माँ ही समझ सकती है। और वेरी हैप्पी फॉर हर, बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई थिंक आपके लिए आपकी फैमिली का आपके पास होना, आपके यू नो योर लव्ड वन, इफ दे आर नियर यू, दे आर विद यू, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड इस जगह तो फिर कोई भी हो यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब आपके प्यार करने वाले लोग, आपसे प्यार करने वाले लोग आपके साथ हैं। बहुत 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 खूबसूरत लग रही है पारुल और चिराग, अब हमारे ऑफिशियल, अब हमारे जीजा जी बन चुके हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम यार। आई जस्ट आई प्रे कि वो हमेशा ऐसे ही रहे दूसरे के साथ, इतनी खुशी। आई डोंट नो व्हाट टू से, देखिए फाइनली पारुल चिराग की शादी हो रही है, ये होनी चाहिए थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जोड़ी बहुत अच्छी है, और क्या क्या बातें हो सकती है। मतलब वी लव्ड चिराग, जब उसने पारुल ने पहली बार हमें चिराग से इंट्रोड्यूस किया था, एंड वी इंस्टेंटली फेल इन लव विद चिराग। यू फेल इन लव, आई लाइक्ड हिम। हाँ बिल्कुल, कौन जो वाले, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। बट रियली ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन, एंड पारुल को वो मिला है, एंड आई थिंक दे मेड फॉर ईच अदर, सो या ऑल द बेस्ट। शादी की बात करें तो आजकल सब शादी बहुत धूमधाम धाम से करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही सिंपल स्वीट तरीके से शादी। सर बताएं, सिंपल सादगी में भगवान रहते हैं, हाँ, और भगवान की जगह पे उन्होंने शादी की है ना, उनकी शादी में भगवान उनके साथ रहेंगे जिंदगी भर। आप भी सुनोगे? बोलो। मैं तो वहाँ सुन लूंगा। अली मौला, इतनी गहरी बात है। अली मौला, अली मौला, चलो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बेहद खूबसूरत है। हमारी पारुल से खूबसूरत नहीं है जगह, लेकिन ठीक है, इट्स क्लोज। सारी जिंदगी साथ रहें, खुशी खुशी रहें, एक दूसरे की जो कमियां हैं उनकी तरफ से ऐसे पट्टी बांध लें, हाँ, और उनको पूरी करें। ये फोटो बॉम्बर हमारा। अरे मेरे, प्लीज दुखती रख पे हाथ मत रखो। इनको हौसला देने के लिए हम पहुंचे। देखो भाई, उन्होंने लहू कलर का ये पहन के आया था, ये मेरे दिल का जो लहू बह रहा है, लहू का बह रहा है, उसकी शादी किसी और से देख के बस क्या बात है। ना 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 ना, आप नहीं हौसला रखेंगे तो हमें हंसी आएगी। बहुत अच्छे से और आशीर्वाद के साथ शादी की है, बहुत सिंपल शादी की है, और बेस्ट फ्रेंड से आज हम लोग हस्बैंड वाइफ में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक रिलेशनशिप को नाम दे दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा वाव फीलिंग है, और क्या फीलिंग है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत सारे बटरफ्लाई घूम रहे पेट में, ऐसे होने वाला, ऐसा होगा, ऐसे हो रहा है, तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। जैसे मैंने सोचा था कि सबके आशीर्वाद के सारे बड़े हों मेरे साथ में, इनफैक्ट हमने जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ है। सिंपल एक कोर्ट मैरिज करने वाले थे कि मतलब कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन मेरे मॉम डैड ने बोला कि जब ऑफकोर्स जब एक हर माँ बाप का सपना होता है कन्यादान करना, पैर पूछना, तो हम चाहते ही करो, तो मंदिर का प्लान हुआ, तो मतलब इतना नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा, बनती गई अपने आप।